आज आपके साथ मजे की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। ये काठियावाड़ी या इसको कराची की मशहूर स्ट्रीट चाट भी कह सकते हैं। ये बहुत मजे की होती है, तो इसका टेस्ट तो कमाल का होता है। ऐसी आपने कभी नहीं खाई होगी, चाट तो आपने बहुत खाई होगी, ऐसी नहीं खाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो ये मैं बना रही हूँ आज एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की आपके साथ चाट की रेसिपी। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, इसको अच्छे से भून लेंगे। एंड यहाँ पे हमने आलू ले लिए, उसमें फूड कलर डाल के उसको बॉईल करना है। एंड यहाँ पे इमली का पानी, यहाँ पे दही वाली चटनी, प्याज प्याज टमाटर, धनिया पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्च। और यहाँ पे हमने ले लिया है कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च जो भी आप डालना चाहें। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और साथ में सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो हम भूल ही गए, हमारे चने। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये हमारे मसाले हैं: काला नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला। इस सब मसाले को हम ऐड कर देंगे अपने इस वाले मसाले में। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और हमें ध्यान रखना है कि हमारा नीचे ना लगे। यहाँ पे हमने ये जो मसाला तैयार किया है उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करते रहना है साथ साथ, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, और इसे अच्छे से पका लेना है। ये हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अब आलू। ये पानी के साथ ही हमने इसमें ऐड करना है, इसका पानी हमने नहीं निकालना। और इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। एंड इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें अपने चने जो हमने बॉयल किए हुए हैं, चने बहुत अच्छे से गले होने चाहिए, इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे हमने ये कॉर्नफ्लोर वाला पानी ले लिया है, ये इसमें ऐड कर देना है हमने। और इसको अच्छे से हलाना है और इसको अच्छे से फिर हमने पका लेना है गाढ़ा होने तक। ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही ज़्यादा इसको पतला रखना है, बस इसको पकाएंगे। हमारी चाट ये इसने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है, इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, बस इसको इतना ही गाढ़ा रखना है। और अब इसको हम डालते हैं। अब हमने इसके ऊपर अपने जो हमारा प्याज है वो डालना है। जो हमने टमाटर काटे हैं वो डालने हैं। जो हमने ये डालना है सब कुछ। हमने अपनी इमली की जो चटनी तैयार की है मीठे वाली, वो ऐड करनी है। और अगर आप डालना चाहें तो आप अपनी थोड़ी सी दही की चटनी भी ऐड कर लें। ये देखें हमारी बहुत ही मज़े की ये चाट तैयार हो गई है। इसको आप गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, आप इसको ठंडा करके भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये बहुत मज़े की बनती है, इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। ये हमने अपनी प्लेट में निकाली है और चेक करते हैं, बहुत मज़े की है ये। ये हमारी कराची स्टाइल जो चाट है वो तैयार हो चुकी है। ये बहुत मज़ेदार बनती है, इसका टेस्ट लाजवाब होता है। ये लाजमी ट्राई करिएगा। आपने चाट तो बहुत खाई होगी लेकिन इस तरह की नहीं खाई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। शुक्रिया।